हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम करण एडिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे आप सभी, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो गाइस आप सभी को इसमें कुछ बैकग्राउंड चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, जिनका लिंक मैंने आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा था, सिंपली आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करो एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो एंड बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लो। एंड गाइस आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया क्या कर रहे हो, यूजर नेम आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एंड गाइस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट बिल्ली आप सभी को करना है कि आप सभी को पहले इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, ठीक है। आप सभी को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस जितने भी बैकग्राउंड पीएनजीज यूज़ करूँगा इसमें मैं, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया, गाइस अभी सिंपली ओपन कर लीजिएगा। एंड गाइस इसके बाद आप सभी को करना क्या है, गाइस मैं अपने सब आप सभी को पहले अपने मॉडल को लेकर आना है, ठीक है। मैं अपने मॉडल को ले आता हूँ गाइस, ठीक है। अपने मॉडल को हेड फोटो में जाने के बाद गाइस मैंने जो अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ठीक है। सो सिंपली आप सभी वहाँ से जाकर देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एंड गाइस वहाँ से बैकग्राउंड इरेज कर लेना, ठीक है। सो मैं अपने मॉडल को लेकर आ गया हूँ गाइस, ठीक है। एंड इसको मैं इस तरीके से सिंपली आप सभी को ऐसे सेट करना है, ठीक है। एंड गाइस इसमें अपने साइज़ का ध्यान रखना गाइस, कहीं छोटा बड़ा मत कर देना, नहीं तो गाइस फोटो अच्छी नहीं लगेगी। तो गाइस साइज़ का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। एंड चलते हैं अब दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। एंड ऐड फोटो में जाके हम गाइस जो सेलिब्रिटी हमें लगाना है इसमें गाइस उसकी फ़ोटो ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड गाइस ये मेरे को गाइस बहुत ढूंढने पे मिला यार ये मॉडल, तो गाइस मैंने जल्दी इसलिए यार मेरे को थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो में। तो गाइस मैं मॉडल को सिंपली ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। सो इसका ही बैकग्राउंड इरेज है। एंड गाइस आप सभी को मैंने बता ही दिया, अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जगह देख लेना, ठीक है। सो मैंने मॉडल को लिया है गाइस, ठीक है, सेकंड मॉडल का। एंड गाइस आप सभी को सिंपली इस तरीके से ऐसे ऐड करना है। एंड गाइस आपको अपने साइज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि गाइस लड़की की हाइट छोटी होती है, तो गाइस आपको थोड़ा छोटा ही रखना है इसको, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा गाइस, आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस आपको कैसा पोज देना और कैसे मैं रखना है गाइस, ठीक है। सो सिंपली मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। एंड गाइस मैं ऊपर से कर लेता हूँ डन, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या गाइस, ये देखिए गाइस इसमें इनके सेलिब्रिटी हैं जो उनके कपड़े ब्लैक हैं, एंड गाइस मेरे थोड़ा लाइट हो रहे हैं, तो गाइस मैं इसको मैं थोड़ा ब्लैक करूँगा। एंड गाइस हम जाएंगे टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाएंगे तो एडजस्ट में जाएंगे, एंड गाइस ब्राइटनेस में जाएंगे, ठीक है। एंड ब्राइटनेस में जाने के इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो कर दें, वो 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, रेजर टूल में जाना है, एंड गाइस इसको पूरा माइनस कर देना है। एंड गाइस के बाद आपको ब्रश सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड गाइस को आपको अपने हिसाब से साइज रख लेना है। एंड गाइस मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने इसको अपने कपड़े को भी गाइज मैंने ब्लैक कर लिया है, सो गाइज आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है। सो कपड़े हमारे ब्लैक हो चुके, तो गाइज अब आपसे को करना क्या, ऐड फोटो में जाना है गाइज, एक पीएनजी और लगाना लाइट का, ठीक है गाइज, सनलाइट का पीएनजी लगाना गाइज पीछे आपको इस तरीके से, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसको आप सभी को ऐसे बड़ा करना है, ठीक है। एंड आपको इसको सिंपली ऊपर की तरफ ऐसे लगाना है, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद गाइज आप सभी को इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखना है गाइज, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस स्क्रीन रखना, एंड गाइस को मैं साइज़ को आपको थोड़ा और मैं इसको थोड़ा बड़ा करके गाइस थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आपको भी सिंपली इस तरीके से लगाना, ठीक है। एंड हम कर लेते हैं इसको डन, ठीक है। एंड अब जो है गाइस इसमें हमारी रह जाती है कलर करेक्शन, तो गाइस जो भी हम कलर करेक्शन करेंगे इसके हम लाइट रूम ऐप के अंदर, तो गाइस हम चलते हैं ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर फोटो को सेव कर लेते हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस मैं जहाँ से जाता हूँ बैक, ठीक है। बैक जाने के बाद गाइज आप सभी को जाना है लाइटरूम ऐप के अंदर। लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद गाइज आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपनी फोटो को ऐड कर लेना सिंपली इस तरीके से, ठीक है। सो मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ गाइज, हाँ अब मेरी फोटो आ गई है। सो गाइज आप सभी को करना है इस फोटो को ओपन करना है, ठीक है। इस फोटो को ओपन करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा ये लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइज, ठीक है। इस लाइट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। एंड इसके बाद आप सभी को करना है कि गाइस इसके हाइलाइट्स को आप सभी को कम करना है, ठीक है। ये -67 तक रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस अब वहाँ जाते हैं शेडो पे, तो सही शेडो को हमें गाइस बढ़ाना नहीं है, इसको हम माइनस में रखेंगे, ठीक है। शेडो को हम माइनस में रखेंगे, सो गाइस हम शेडो को माइनस में रखेंगे गाइस 33 तक, ठीक है। एंड वाइट को हम गाइस बढ़ाएंगे, ठीक है। वाइट को हम रखेंगे 36 तक, ठीक है। एंड ब्लैक को माइनस करेंगे 30 तक, ठीक है। एंड चलते हैं हम नीचे वाले टूल पे, ये आपको थर्मामीटर का आइकन दिख रहा होगा, इसे हम चलते हैं इस वाले पे,
सो गाइस पहले मैं ब्लैक को थोड़ा बस नहीं गाइस इतना ही रहने देते हैं एंड गाइस चलते हैं हम नीचे थर्मामीटर वाले आइकन पे ठीक है एंड उसके बाद चलते हैं मिक्स पे। मिक्स में जाने के बाद गाइस रेड कलर सिलेक्ट करना है एंड गाइस यू को हमें करना है -24 ठीक है एंड अब आ जाते हैं अब ऑरेंज वाले पे ठीक है एंड इसकी सेचुरेशन को हमें माइनस करना है 27 तक ठीक है गाइस एंड इसकी ल्यूमिनस को हमें बढ़ा लेना है 15 तक ठीक है एंड अब हम लेते हैं यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है सिंपली ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड गाइस ये वाला ब्लू नहीं गाइस सेकंड ब्लू वाला एंड गाइस क्या हुआ है सेचुरेशन को माइनस कर देना बिल्कुल 100 तक ठीक है एंड नेक्स्ट कलर को भी लेना इसको भी हमें माइनस कर देना बिल्कुल एंड गाइस के अगले वाला जो नेक्स्ट कलर है इसको भी हमें लेना एंड इसका भी सेचुरेशन को माइनस कर देना ठीक है एंड सिंपली कर देना आप सभी को यहाँ से डन ठीक है एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है गाइस आप सभी को ये टेम्परेचर दिख रहा होगा गाइस इसमें हमें थोड़ी सी ब्लू टोन देने के लिए गाइस हमें इस तरीके से हमें -9 तक रखना है इसे हम ठीक है गाइस टेम्परेचर को हमें -9 तक रखना है एंड गाइस सेचुरेशन को हमें रखना है प्लस में 11 तक रखना है ठीक है एंड वाइब्रेशन को हमें रखना है गाइस -26 तक नहीं गाइस 20 तक रख लेते हैं गाइस ठीक है मैं गाइस इसे 14 तक रख लेता हूँ सॉरी 14 तक रख लेता ठीक है वाइब्रेशन को एंड गाइस टेम्परेचर टिंट है जो गाइस हमारा इसको हम रखते हैं गाइस प्लस में माइनस में रखते हैं गाइस 5 तक ठीक है गाइस 5 नहीं तो गाइस 10 तक रख लेना गाइस आप ठीक है एंड आप चलते हैं हम नीचे वाले आइकन पे ठीक है एंड इसके हमको क्लियरिटी को इनक्रीज करना है सो गाइस हम इसे रखेंगे 26 तक ठीक है एंड विगनेट को भी हम माइनस करेंगे सो गाइज हम इसे रखते हैं 16 तक सो 23 तक माइनस रख लेते हैं ठीक है एंड गाइज फेदर पे हमें आप गाइज फेदर दिख रहा होगा गाइज इसको आप सेव करना है इसको आपको करना है +100 तक कर देना पूरा ठीक है एंड उसके बाद आप सभी को जाना नीचे वाले टूल पे गाइज ये ट्रायंगल का दिख रहा होगा आपको गाइज टूल तो गाइज आपको इसमें जाना है इसमें जाने के बाद गाइज आपको फोटो को थोड़ी शार्प कर लेनी है ठीक है इस तरीके से आपको सार्फ कर लेनी है एंड गाइस उसके बाद आपका काम रह जाता है ये नॉइज रिडक्शन ठीक है इसको रखना है आपको 19 तक ठीक है एंड आ जाता है कलर नॉइज रिडक्शन ठीक है एंड हम कलर नॉइज रिडक्शन में जाएंगे गाइस ठीक है इसको हम रख लेते हैं 25 तक ठीक है सो अब हमारी यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है तो गाइस अब हमारा एक काम और रह रहा है गाइस अभी पूरी फोटो एडिट नहीं हुई है हमारी ठीक है सो अब हमें आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर गाइस ये आपको ये गोल्स आइकन दिख रहा होगा सबसे ऊपर ठीक है गाइस आपको इस पर क्लिक करना है इस वाले पे गाइस ठीक है एंड आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा एंड गाइस आपको साइड में प्लस का आइकन दिख रहा होगा ठीक है एंड आपको कोई थर्ड वाला ऑप्शन लेना है ठीक है एंड आपको नीचे से इसको प्रेस करना है एंड गाइस आपको इस तरीके से ऐसे उठाना है ठीक है इस तरीके से आपको पूरा बैलेंस करके गाइस ऐसे उठाना है ठीक है ऐसे ऐसे उठा लेना गाइस एंड उसके बाद आप सभी को क्या काम रह जाता है गाइस आप सभी को करना है बिल्कुल गाइस आपको इस एकदम लेवल में रखना ठीक है जिसे एंड गाइस उसके बाद आपको इस लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है ठीक है एंड इसके एक्सपोजर को आपको कम करना है ठीक है आपको नीचे ब्लैक ब्लैक करना है ठीक है आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस आपको कितना ब्लैक करना है तो गाइस आप उतना कर लेना गाइस मैंने इसको रखा है 29 तक माइनस रखा है ठीक है एंड यहाँ गाइस हमारे यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है तो गाइस मैं आप सभी को आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ हमने गाइस पिक्सआर्ट में कैसे एडिट की थी एंड गाइस लाइट रूम में हमारी फोटो कैसे एडिट हुई है सो गाइस ये हमारी पिक्सआर्ट में ऐसी फोटो एडिट हुई थी ठीक है एंड ये हमारी लाइट रूम में ऐसी फोटो एडिट हुई है ठीक है सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना यार एंड गाइज चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ठीक है एंड गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से एंड गाइज मैं आप सभी से ऐसी मज़ेदार मज़ेदार मस्त मस्ती एडिटिंग लाता रहूँगा गाइज गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना यार कि आज आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए गाइज एंड गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे गाइज आपको जैसी ही फोटो एडिटिंग अगर आपको दिख जाए कोई फोटो अच्छी सी तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मेंशन कर देना उस फोटो में गाइज मैं उस फोटो को देखूँ एंड गाइज मैं आप कोशिश से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी को उस फोटो का ट्यूटोरियल ला कर दे सकूँ तो एंड गाइज टेक केयर एंड तब तक के लिए बाय बाय।